अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आपकी ज़िंदगी में सारे रंग सारे स्पाइसेस मौजूद हैं। सुबह सुबह स्पाइसेस की बात क्यों हो रही है ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है या गौर किया है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं? हमें लगता है कि हमारे जो देरीना मसाइल होते हैं या रोज़मर्रा के इश्यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई अपने गुस्से पर काबू पाना चाहता है, कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई अपना ड्रीम पार्टनर ढूंढ रहा है, किसी को अपना ड्रीम हाउस चाहिए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस साइकिल में आप काफ़ी अरसे से फंसे हुए होंगे। हो सकता है द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज़ कि ये आपका इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक्सेप्टेंस चाहते हैं लोगों से, या मोहब्बत के भूखे हैं, या अटेंशन चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके शायद बचपन में शुरू हुई थी, लड़कपन से आपके साथ हैं, और अभी आप ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पड़ाव पे हैं, ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम्स अभी भी आपके सामने। जब अल्लाह ताला ने हमें ये बार बार बावर कराया है, हमारा दीन, हमारी सोसाइटी, सब चीज़ें आपको बार बार ये पैगाम दे रही हैं कि जो आपके नसीब का है, व्हाट इज़ मेंट फॉर यू विल नेवर पास यू, यानी जो आपके लिए है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपके लिए नहीं है चीज़ वो चाहे आप जितनी जस्तजू कर लें, जितनी मेहनत कर लें, आपके हाथ नहीं आएगी। तो फिर हम इस कश्मकश में क्यों रहते हैं? लेकिन फिर भी ज़िंदगी कभी कभार कभी आपको प्यार से और कभी बहुत मुश्किलात से गुजार कर यही पैगाम देती है, और ख़ास तौर पे जब हम रिस्क की बात करते हैं, अपने घर की आमदनी, ख़र्चों, अखराजात की बात करते हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सारे लोग इस परेशानी और बेयकीनी की कैफियत से गुजर रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे अरबटेक कंपनी के हवाले से। आपको बता के अरबटेक होल्डिंग्स, अगर आप जानते हो, मिडल ईस्ट की बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन में और रियल इस्टेट में ये अपना वाज़े किरदार अदा करती है, और इसकी वजह शोहरत ये है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत यानी बुर्जुल खलीफा की कंस्ट्रक्शन इसी कंपनी ने की थी। आप जानते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन में कई साल लगे, इसकी लागत काफ़ी आई, और दुनिया में इसको अपनी मिसाल आप माना जाता है, यानी कई लोग जो अगर इस खत्ते में करीब नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुबई शायद इस बिल्डिंग को देखने भी जाते हैं। कभी ना कभी ये ख़बरों में रहती है, किसी ख़ास दिन के मौके पे इसको ख़ास रंगों से, ख़ास रोशनियों से सजाया जाता है। लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी कि हम जैसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, तो इसको बनाने वाली कंपनी ने अपने लिक्विडिटी इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया है, और वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही है। ख़दशा ये है कि अगर इनको कोई बेल आउट नहीं मिलता और इस कंपनी ने बंद होना है, तो तकरीबन 40,000 लोगों की मुलाजमतें, उनकी नौकरियां ख़त्म होने का अंदेशा है, और ये इट्स जस्ट द टिप ऑन द आइसबर्ग। कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि ग्लोबल डेट, ग्लोबल मुश्किलात हमारे सामने हैं। एक दफ़ा फिर सबको मशवरा देना चाहेंगे कि इस वक्त अपने आप को, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रिस्क लेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दैट रिस्क नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि दुनिया में इस वक्त काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना है लोगों को। कल हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का आलम था, उसकी वजह, उससे लिंक करके हमने आपको बताया कि प्रेजिडेंट ट्रंप की वजह से किस तरह वर्ल्ड स्टॉक मार्केट यकीनी का शिकार है। लेकिन जी, अगर ज़िंदगी में सब कुछ आपको पता हो भी, तब भी तो मुश्किल है ना, तब यानी दिल बी नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि एक टाइम टेबल है जहाँ तक हमने पहुँचना है। खैर, इस बारे में मज़ीद भी बात करेंगे, और आज हमने ज़रा शुरुआत करनी है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, और जो स्पाइसीनेस का हमने जिक्र किया, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आपको याद हो अगर, हमने 2018 में अक्टूबर के ही महीने में आज पाकिस्तान का आगाज़ किया था, एंड वन ऑफ द इश्यूज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ ऑफकोर्स वुमेंस डिवेलपमेंट एंड वुमेंस हेल्थ, और इसमें एक बहुत बड़ा ख़तरा, एक बहुत बड़ा लूमिंग डेंजर जो हमारे लिए है, वो है ब्रेस्ट कैंसर। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में जब छाती के सरतान का जिक्र किया जाता है, तो पाकिस्तान में इसकी इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाली ख़वातीन में से हर 9 में से एक खातून को कभी ना कभी ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस होगी। इसके अलावा हर साल तकरीबन 90,000 ख़वातीन में डायग्नोस किया जाता है छाती का कैंसर, और इसमें से 40,000 से 50,000 ख़वातीन लुक्माए अजल बन जाती हैं। इन ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है अर्ली डिटेक्शन से, ट्रीटमेंट से, और सबसे बढ़कर ये कि जो स्टिग्मा
और जो मिस इन्फॉर्मेशन छाती के सरतान के इर्द गिर्द है उसका हाला हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें जानकर ये बहुत खुशी थी। सबसे पहले आपने देखा कि द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान मिसेस समीना अलवी द वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी इस कैंपेन का आगाज़ हमारे ही शो से किया था 2018 में। एंड आई एम डिलाइटेड एंड ऑनर्ड कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ और हमसे जो बन पाएगा और खुसूसन इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को देते हुए हम छाती के सरतान के बारे में मज़ीद आपको अवेयरनेस देना चाहेंगे। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर ज़ुबैदा काजी को, जो कि खुद भी एक डॉक्टर हैं एंड शी इज़ अ पार्ट ऑफ द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैदा फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर ज़ुबैदा, ये जो इतना नंबर बड़ा है और लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं होता कि जब हम कहते हैं कि विमेन 40 to 50,000 विमेन इन पाकिस्तान दे डाई ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाता है और कभी ना कभी इसकी री इंसिडेंस होती है। तो अर्ली डिटेक्शन में वैसे तो बहुत सारे बैरियर्स हैं, आपकी नज़र में सबसे बड़ा बैरियर और ब्लॉकेज क्या है जिसकी वजह से लोग सामने नहीं आते? सिदर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, इंसिडेंस की बात आपने की विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंसिडेंस रेट तो प्रॉब्ली थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होगा पाकिस्तान से, लेकिन जो मोर्टैलिटी रेट है, जो शरह-ए-अमवात है, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। उसका नंबर 3.5 करोड़ की जो आबादी है, जो कि उस 45 के एज ब्रैकेट में है, जो कि हाई रिस्क में है ऑलरेडी, तो उसके अंदर सबसे बड़ा बैरियर जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। जस्ट लाइक करोना, पीपल आर लाइक दैट कि इट्स exist, it's not like that, it is there and it is a killing factor for the females. Dusra sabse bada taboo females especially wo jo underprivileged community hai, they have no say, they can't talk about their issues to the male members of the society, kyunki you know hamara jo मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जिसमें डिपेंडेंसी है मेल के ऊपर फीमेल की, तो सबसे एक और हिंड्रेंस ये है कि वो अपनी बात नहीं कर सकती, बता नहीं सकती ना तो मेल को ना ही फीमेल को। देयर लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ ओवर देयर, कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल, अ लॉट ऑफ टाइम्स अ वुमन्स बॉडी इज स्टिग्मेटाइज्ड, यानी कहने का मकसद ये है कि जब आपकी सेहत पे बात आती है, अपनी सेहत से रिलेटेड एक तो अगर घर में बात की भी जाए तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। मैं खुद बहुत सारी ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो मतवस्त या यू नो जिनकी आमदन ज़्यादा नहीं है, गरीब घरानों से उनका ताल्लुक़ है और वहाँ पे तरजीहात में ही शामिल नहीं है आपकी सेहत। अगर आप अपनी बीमारी का या सेहत में गिरावट का कोई इंडिया भी देते हैं तो कहा यह जाता है कि दिस इन योर हेड और सही हो जाएगा, तुम तो हर वक्त रोती रहती हो। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, इट्स अ सोशल स्टिग्मा, यू नो, जब इसकी बात करें तो वेमेन, मैं जो डे टू डे देखती हूँ खवातीन को, उनके अंदर एक सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि दे कैन बी सेपरेटेड, दे कैन बी डिवोर्स, दे कैन बी आइसोलेट फ्रॉम द फैमिली। अगर आप ये देखें कि आपकी जो जिस्म है ऑब्वियसली आपकी शनाख्त का एक बड़ा कलीदी हिस्सा है, तो ख्वातीन को अक्सर ये डर भी होता है कि अगर कहा गया कि सरतान है या छाती का सरतान है तो कहीं घर टूट ना जाए, हस्बैंड छोड़ ना दे। और ऐसा होता भी है, देयर आर लाइव स्टोरीज प्रेजेंट के इस तरह के सर्वाइवर्स मौजूद हैं। और इसके लिए जो है आगाही, इसीलिए हम जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक तो अक्टूबर का महीना है, इसके अलावा भी एक सस्टेनेबल बेसिस पे ये अवेयरनेस लाजमी है, क्योंकि हमें अवेयरनेस से ये पता चला है कि इट कैन रिड्यूस द 30% रेट ऑफ मोर्टैलिटी अगर हम अवेयर कर देते हैं। और अवेयरनेस किस चीज़ की है, कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ दिस डिजीज़ एंड हाउ टू टॉक अबाउट दिस डिजीज़, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स दैट अ वुमन कैन चेक घर पर रहते हुए, घरेलू औरत जो कि उसका एक्सेस नहीं है इन तमाम फैसिलिटीज़ पे, वो से एक सेल्फ सिंपल सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू, कुछ 5 मिनट का एग्जामिनेशन के थ्रू वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बहुत आसान है पिक कर सकती है, एंड देन शी कैन गो टू, और उसके लिए सिर्फ एक हाथ चाहिए, वो हाथ उस औरत का अपना होगा, या वो डॉक्टर के पास चली जाए, लेडी हेल्थ वर्कर के पास चली जाए, किसी LHP के पास चली जाए, ऑब्स्ट्रिशन के पास, हूएवर इज अवेलेबल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे वाजे करना बहुत अहम, हम कहते हैं कि छाती के सरतान में सबसे पहली अलामत ये होती है कि आपको छाती में कोई गिल्टी या कोई यू नो सिस्ट जैसी महसूस हो, इसको ये भी वाजे करना बहुत इम्पोर्टेंट है डॉक्टर ज़ुबैदा, कि हर जो गिल्टी है वो छाती का सरतान नहीं है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए टेस्ट कराने या डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, आप उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें। बिल्कुल, इसीलिए स्क्रीनिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि कौन किस एज पे स्क्रीनिंग कराए, उसकी सारी लिमिटेशन हैं विच प्रॉब्ली आई वोंट बी एबल टू डिस्कस ओवर देयर, लंबा टाइम है। तो मेमोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो छाती का एक्सरे कहलाता है, जो कि एक आइडेंटिफाइड टूल है फॉर द स्क्रीनिंग, ठीक है, उसकी एक एज लिमिट है कि 40 से अबव
वेस्टर्न वर्ल्ड में इट्स द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो अवेलेबल है हर औरत को कि वो हर साल अपनी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कराएगी. हमारा जो लो सेटअप सोसाइटी जिस तरह की हमारी अंडर डेवलप कंट्रीज़, वहाँ पर हम ये नहीं अगर फैसिलिटी दे सकते तो हम एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि उस गांठ को फील आप ख़ुद कैसे कर सकते हैं. और वंस यू फील इट, एटलीस्ट हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जो कि इक्वली गुड नहीं, स्क्रीनिंग मोडालिटी नहीं है लेकिन खर्चा कम है, रेडिएशन नहीं है, यू नो. अच्छा, वेरी क्विकली बिकॉज आई एम इन द लास्ट मिनट ऑफ माय शो, डॉक्टर ज़ुबैदा, कुछ की इन्फॉर्मेशन 30 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपका ख़तरा बहुत बढ़ जाता है. तो 30 साल की उम्र के बाद हर खातून को अपना ख़ुद टेस्ट भी करना चाहिए, अपने आप को यानी चंद मिनट निकालें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आप के लिए. कोई भी ऐसी गिल्टी या सिस्ट को अगर महसूस करें, कोई गांठ अगर आपको महसूस हो, उसको बिल्कुल जाके डॉक्टर से उसके लिए रुजू करें. फिर वो जैसे आपको बताते हैं अल्ट्रासाउंड करना है या मेमोग्राफी करवानी है, जिस तरह के डॉक्टर ज़ुबैदा ने कहा, आपका ख़तरा, आपका रिस्क कई गुना बढ़ जाता है अगर आपकी फैमिली में, खुसूसन जो आपकी फीमेल रिलेटिव्स हैं, अगर उनमें किसी ना किसी का इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हो, तो उन लोगों को और ज़्यादा यू नो मुहतात रहना चाहिए. और सबसे आखिर में, इसका इलाज मुमकिन है, इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल उसी तर्ज पर गुजर सकती है जैसे एक हेल्दी लाइफ होती है अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें और अर्ली ट्रीटमेंट हो. बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर ज़ुबैदा ने एम्फसाइज़ की कि शायद इसका इंसिडेंस पूरी दुनिया में इतना ही है. बहुत ज़्यादा ख़वातीन छाती के सरतान का शिकार होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा हमारे लिए अफसोसनाक बात यह है कि मोर्टैलिटी रेट यानी इसकी वजह से जो शराय अमवात है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है. सो आई होप दैट यू विल टेक आउट अ लिटिल टाइम फॉर योरसेल्फ. बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैदा फॉर बीइंग हियर एंड फॉर वंस अगेन पुटिंग योर पावर बिहाइंड सच एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. थैंक यू सो मच. इसी के साथ जी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. ज़रा स्पाइसेस का जिक्र हो रहा था. क्या कभी कभी आपको भी मेरी तरह क्रेविंग होती है कि कुछ स्पाइसी चाट मसाले वाली चाट खाई जाए, लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली, पता नहीं अब इन जो कह रहे हैं कि सारे के सारे इनके स्पाइसेस ख़त्म हो जाते हैं. लेट मी शो यू कि किस वजह से और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ये चाट कहाँ से बनना शुरू हुई है. लेट्स शो यू अ पैकेज अबाउट दैट. कराची के नसीब जमाल बन गए सबके लिए आला मिसाल. इलेक्ट्रिशियन वालिद ने बेटियों को भी हुनरमंद बना दिया. कस्बा कॉलोनी के रिहायशी नसीब जमाल ने अपनी बेटियों को बरकी आलात की मरम्मत और इलेक्ट्रिक का काम सिखा कर हुनरमंदी के लिहाज से लड़कों और लड़कियों की तफरीक खत्म कर दी. बेटियां भी काम में वालिद का हाथ बटाती हैं. कमसन बेटियां वालिद के साथ मिलकर दुकान पर पंखों, चार्जर और दीगर इलेक्ट्रिक आलात की मरम्मत इतनी महारत से करती हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं. कराची की ये बेटियां भी वालदैन के लिए फखर का बाइस बन गई हैं. नसीब जमाल कहते हैं, मुआशरे में खवातीन के किरदार को मजबूत बनाने के लिए वालदैन बच्चियों पर भरोसा करें और उन्हें तालीम के साथ हुनर भी सिखाएं. जी जनाब, तो आपने देखा कि आज हमने चाट का पैकेज नहीं आपको दिखाना था, पहले हमने आपको दिखाना था नसीब जमाल साहब जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. माशाल्लाह इनकी 8 बेटियां हैं और आमतौर पर लड़कियों को अगर देखा जाए तो समझते हैं कि ये काम आप क्या नहीं है, यानी घर में अगर बल्ब बदलना है, कोई प्लग बदलना है, कोई तार सही करनी है, छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस के काम होते हैं इनको लड़कों का काम शुमार किया जाता है. लेकिन नसीब जमाल साहब ने अपनी चाटों बेटियों को इसमें आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग देनी शुरू की है. महारत आप देख सकते हैं. आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इनकी बेटियों में से जुवेरिया और सुमैया मौजूद हैं और नसीब साहब भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है जी. अच्छा, हम काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि आप हमारे स्टूडियो आएँ. मुझे बताएं कि ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के तहत आपको लगा या आपका जो अपना हुनर था, जो नॉलेज थी, आप चाहते थे कि बच्चियों को भी वो? असल में ये ज़रूरत के तहत तो मैंने नहीं किया, मेरी एक सोच थी. सही. मेरी ये सोच थी कि मैं बच्चियों को हर मैदान में जो ना जो मेरा हुनर है मैं उसमें आगे लेके आऊँ और हर माँ बाप अपनी बच्चियों को, मतलब ये कि जैसे मेरी 8 बच्चियाँ हैं
तो अपने ऊपर बोझ ना बनाए और उन्हें हुनर दे और उन्हें आगे लेके आए। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए मैं अपनी बच्चियों को अपनी शॉप पे लेके आया और फिर मैंने इनको ये ट्रेनिंग देना शुरू की। और माशाल्लाह मेरी जो है ना चार बच्चियां, इनसे बड़ी जो है वो फुल कारीगर हो गई है और अपने घर में शादियां भी हो गई है और अपने घर में रह के माशाल्लाह जो है ना पड़ोसियों और रिश्तेदारों का काम करती है। और ये बच्चियां जो है ना मेरी, ये माशाल्लाह ये अभी चार साल से जवेरिया है तो ये भी तकरीबन अभी जो है ना काम तकरीबन मुकम्मल करने वाली है और ये अभी शुरुआत है, एक साल हो गया इसको काम करते हुए। तो ये अभी नसीर साहब, जब आपने सबसे पहले अपनी बेटियों को, जिन चार बेटियों की माशाल्लाह शादी हो गई है, उनको आप दुकान पे लेके गए और उन्होंने काम सीखना शुरू किया, क्या इर्द गिर्द से लोगों ने बातें बनाई, कोई प्रेशर था आप पे ख़ानदान वालों की तरफ से, आस पड़ोस से? जी, जब मैं शुरू में अपनी छोटी बच्ची को काम पे लेके आया अपने साथ तो 8-10 दिन तक तो किसी ने नोटिस नहीं किया, मगर 8-10 दिन के बाद जो है ना अपने ख़ानदान में से मतलब कुछ लोग जो है ना एतराज़ करने लग गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ महल्ले वाले भी जो है ना, भाई आप बच्चियों को दुकान में बिठाते हो यार, ये तो बुरी बात है। तो मैंने कहा भाई क्यों बुरी बात है, ये मेरी बच्चियाँ हैं और मैं अपने साए तले और पर्दे में रहते हुए उनको एक हुनर दे रहा हूँ और इनकी कमजोरी को मैं खत्म कर रहा हूँ, इनके अंदर मैं इत्तेमाद पैदा कर रहा हूँ और ताकत बना रहा हूँ। जी, उसे मैं एक ताकत बना रहा हूँ और उनको अपने ऊपर भरोसा करना सिखा रहा हूँ कि कल को ये अपने जो है ना अपने ऊपर इनको भरोसा हो, ट्रस्ट हो, तो ये आगे बढ़े और माशरे को भी एक पैगाम मिले कि अगर किसी की बच्ची है तो वो मतलब ये कि अपनी कमजोरी ना बनाए, उन्हें अपनी हुनर जो आपकी ताकत में जो आप मतलब कि आपको आता है, आप तालीम दे दो, उन्हें हुनर दे दो, आप किसी भी मैदान में किसी भी शोबे में उनको आगे लेके आओ, तो इससे आपका नाम रोशन होगा और मुल्क का नाम भी रोशन हो जाएगा। नसीर साहब, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपकी 8 बेटियां हैं, तो क्या आपको बेटे की ख्वाहिश थी जिसकी वजह से ये फैमिली साइज इतना बड़ा है? असल बात यह है कि बेटे की ख्वाहिश तो हर बंदे को होती है, तो मेरी सोच ऐसी नहीं है, मगर क्योंकि औरत जो होती है, औरत को ज्यादा ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा हो, कम से कम जो है ना मेरी बच्चियों को संभाले। तो मेरी जब शुरू में चार बच्चियां हुई तो मेरी वाइफ को जो है ना ज्यादा ख्वाहिश थी कि अल्लाह एक बेटा भी दे। आपने तो कभी अफसोस या प्रेशर नहीं दिया कि भाई बेटा होना चाहिए या कोई इस तरह की मायूसी का इजहार किया? नहीं, तो मैं अपनी वाइफ को, और यकीन करो मेरी वालदा है वो भी बहुत मतलब ये कि खफा होती थी कि जमाल जो हमारा एक बेटा मतलब ये कि, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मतलब अपने खानदान में मैं थोड़ा मतलब ये कि आगे हूँ, तो इसके मतलब ये कि बेटियां हैं और बेटा नहीं है। तो मैंने कहा आप लोग परेशान ना हो, मैं इन्हीं बेटियों को इंशाल्लाह ताला बेटे की तरह तरबियत दूंगा और उन्हें आगे लेके आऊंगा, और आप यकीन करें कि इन्हीं की वो तरबियत और इन्हीं की जो मैंने तरबियत की, इन्हीं की दुआएं, इन्हीं की दुआएं थी और अल्लाह ताला ने मुझ पर रहम किया और मुझे 8वां जो है मेरे को अल्लाह ने बेटा दे दिया, इनाम के तौर पे मेरे को अल्लाह ने बेटा भी दे दिया। अच्छा, कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं करते जवेरिया अब क्योंकि भाई है, तो अब नहीं करते कि भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, या तुम लोगों को कभी लगता है कि सबसे ज्यादा लाडला कौन है अब्बू का? अब्बू हम सबसे एक ही जैसा प्यार, एक ही जैसा प्यार करते हैं, कोई ज्यादा लाडली बेटी नहीं है। सुमैया आप बताओ, अब्बू डांटते हैं या सबसे ज्यादा लाडला कौन है अब्बू का? प्यार करते हैं, हम को डांटते नहीं है, लेकिन जब काम गलत होती है मारते नहीं है, डांटते हैं। और काम में सबसे ज्यादा तुम आठों बहनों में सबसे ज्यादा होशियार कौन है काम में? मेरी बड़ी बहन। बड़ी बहन, उनका क्या नाम है? हफ्सा। हफ्सा, नसीर भाई आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपने जैसे कहा, और एक अंग्रेज़ी का मौकूला भी है कि अगर दुनिया में कोई भी खातून, कोई भी बच्ची तरक्की करती है तो उनके वालिद ने, उनके घर वालों ने उन पे माशरे से ज़्यादा एतमाद किया होता है, तो आपने जैसा खुद कहा कि आपकी तो एक सोच थी, फिर जब एतराज़ किया तो लोगों को चुप करा दिया, लेकिन कभी कोई ऐसी बात, कोई आपको कोई फेस करना पड़ा हो, कोई गाहक, कोई इर्द गिर्द के लोग छेड़छाड़? हमारे माशरे में अक्सर सुनते हैं ना कि बच्चियों के लिए बाहर निकलना, काम करना मुश्किल है, कभी आपने ये सब कुछ फेस किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ये चीज़ें फेस नहीं की, क्योंकि मेरा मिजाज ही कुछ इस टाइप का है कि जब अगला देखता है तो वो भी सोचता समझता है कि ये बंदा किस टाइप का है। सही। तो माशाल्लाह आज तक तो मैंने ऐसे कोई मतलब ये कि बात नोट नहीं की कि कोई मतलब ये कि मेरी बच्चों को किसी तंग करता हो या कोई किसी नजर से। आप यकीन करें ऐसे हमारे दिल में जो है ना खौफ है, एक डर है, अगर आप इस खौफ और डर को बाहर निकाले तो कोई कुछ नहीं कहता किसी को। जो करने वाले होते हैं, जो गलत लोग हैं, जो खराब लोग हैं, वो तो हर माशरे में हर जगह आपको मिलेंगे और वो अपना काम कर जाते हैं, मगर ये कि टोटल माशरा ऐसा नहीं है, लोगों की बहुत अच्छी सोच भी है। यकीन करें आपके लोग आके हमें अप्रिशिएट करते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये बच्चियां जो है ना क्या काम कर रही हैं, तो यकीन करो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग आते हैं और अपने बच्चों को लेके आते हैं, और आप यकीन करें लोग अप्रिशिएट करते हैं। अभी शुरू में ठीक है मैंने कुछ
تنقید برداشت کی مگر آج اس تنقید کا صلہ ہے کہ لوگ مجھے مجھ پہ فخر بھی کرتے ہیں میرے بچوں پہ فخر کرتے ہیں اور آپ نے پروف کر دیا دنیا کو کہ بیٹیاں واقعی رحمت اور برکت کا باعث ہوتی ہیں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف آپ کی بچیاں بلکہ جو تمام ہمارے دیکھنے والی جو بچیاں ہیں بہنیں ہیں ان کو مضبوط ہونے کے لیے اور اپنے آپ پہ اعتماد کرنے کے لیے آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے ان کو کیا پیغام دیں گے اصل میں بچیوں کو مضبوط بنانے میں جو ہے نا ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے صحیح اگر ماں چاہے تو اپنی بچیوں کو اعتماد دیں بالکل اگر وہ بچیوں کو اعتماد دے گی اور اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں گی اس پہ بھروسہ کریں گی اور اس کو ہر میدان میں یہ کمتر نہ سمجھے کہ میں لڑکے کو اس کام میں لا سکتی ہوں لڑکی کو نہیں لا سکتی ہوں دونوں ایسے ہیں اور ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں اور بلکہ لڑکیاں ان سے زیادہ بہتر انداز میں کام کرتی ہیں اور ماشاءاللہ سوچ سمجھ کے کرتی ہے اور بہت آگے نکل جاتی ہے تو اگر ماں باپ اپنے والدین اگر چاہیں اور اپنے بچیوں پہ وہ ٹرسٹ کریں ان کو تعلیم کے میدان میں بھی آگے لے کے اور ماشاءاللہ لوگ لے کے آ رہے ہیں اور ہنر ہے ان کے اگر اس میدان میں آگے لے کے آئے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک کا نام بھی روشن کرے گی اور اپنے والدین کا نام بھی روشن کرے گی بہت بہت شکریہ آپ سب کا سارے بچے یہاں پہ موجود ہیں نصیبہ یہاں پہ موجود ہیں یہ سوچ جو اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ایک خاص طبقے کی بس ایک روشن خیالی ہوتی ہے یہ ہے اصل پاکستان ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پیپل ٹرسٹ دیئر چلڈرن لو دیئر چلڈرن ان کو وہ تمام خواہشیں ان کی تمام ترجیحات اور وہ تمام اپرچونیٹیز دینا چاہتے ہیں جس سے وہ آگے بڑھ کر اپنے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے ایک اساسہ بنے اسی کے ساتھ لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک ویل بی رائٹ بیک ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان سیاسی سرگرمیوں پہ پھر ایک دفعہ نظر ڈالتے ہیں ٹریزن کا معاملہ کیا واقعی جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو لے کر نواز شریف صاحب کے بیانات کو لے کر آگے یہ کیس بڑھتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں آلریڈی ملزم کے زمرے سے بات نکل کے اب مجرم ایبسکونڈر سمبڑی جو کہ پاکستان کی عدلیہ کو جو وعدہ کر کے گئے تھے اب اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے اور اس کے بعد جس قسم کی تنقید وہ کر رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم سے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کافی غیر ذمہ دارانہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان کی عدلیہ اور ہماری کانسٹیٹیوشن ہمارے آئین کے مطابق یہ کیس اب کیسے آگے بڑھتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر وقاص ابریز خان السلام علیکم وقاص تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می دس مارننگ اس وقت کافی اعتراض کیا جا رہا ہے لوگوں نے کہا جی غدار کا لفظ استعمال نہ کرے ٹریزن کی بات نہ کی جائے جو کہ اس لفظ کی اپنی تو ایک اہمیت ہے اور یہ ایک بہت بڑی ایکوزیشن ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیگل جو محرکات ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے جب کسی کو غدار قرار دیا جاتا ہے تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ مائی پرسپیکٹو آن دس سپیسیفک ایشو چندرا آرٹیکل 6 ہے آئین پاکستان کا جو ہائی ٹریزن کی بات کرتا ہے اور ہائی ٹریزن اس پہ امپوز کی جاتی ہے جو آئین پاکستان کو سبوتاج کرتا ہے ابروگیٹ کرتا ہے سسپینڈ کرتا ہے سبورٹ کرتا ہے جہاں تک گزشتہ روز نواز شریف کے خلاف اور دیگر جو ہماری پاک فوج کے ریٹائر 3 جرنیل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ the thing which was very astonishing and baffling for me to understand کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی گزشتہ روز لاہور کے ایک تھانے کے اندر غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا یہ انتہائی تشویشناک صورتحال تھی کہ ہمارے جو 3 دفعہ منتخب ہونے والے پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف موجودہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف اور ساتھ ساتھ 3 جرنیلوں کے خلاف بشمول دیگر جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے ان کے خلاف لاہور کے ایک نجی تھانے میں غداری کی دفعات شامل کر کے ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا جو کہ سیکشن 120B 121 اور 121 اور 124A کو شامل کیا گیا اس کے علاوہ دیگر دفعات بھی شامل کی گئی اس سے میں اپنے حالت کا اظہار کرنا چاہوں گا اور یہ ایک بڑی کمپلیکیٹری سی سچویشن ہے کیونکہ آپ غداری کی دفعات تب تک امپوز یا عائد نہیں کر سکتے جب تک آپ پروینشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی کنسنٹ نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے اس کا سیکشن 196 اور 197 ڈیٹ دوز آر ویری مچ کلیئر ان دس ریگارڈ کہ آپ کسی بھی شخص کے خلاف غداری کا لیبل لگانے سے پہلے یا اس کے خلاف غداری کا ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان یا سیڈیشن کا پرچہ درج کروانے سے پہلے آپ وفاقی حکومت کی یا صوبائی حکومت کی کنسنٹ لیتے ہیں لیکن گزشتہ روز جو لاہور کے نجی ایک تھانے کے اندر ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی گئی اس کے اندر تو نہ وفاقی حکومت کی کوئی کنسنٹ تھی
और ना ही प्रोविंशियल हुकूमत की कोई कंसेंट थी, बल्कि एक मुद्दई के थ्रू उस पर्चे का इंदराज करवाया गया। तो फिर इस पर्चे की क्या हैसियत होती है, कानूनी हैसियत क्या होती है, जब आपने कहा कि प्री कंडीशन ही इसके ऊपर पूरी नहीं होती, वफाकी हुकूमत की या सूबाई हुकूमत की कंसेंट है ही नहीं, तो फिर इस पर्चे की क्या कानूनी और आईनी हैसियत है? सिद्रा, इस पर्चे के अंदर 153 और 505 जो पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन है, सिर्फ दो सेक्शन, दो दफात ऐसी हैं जिनकी टोटल अगर हम सजा देखें टोटल तो 7 साल है। अगर वो दफा शामिल की जाती कोई शख्स मियां नवाज शरीफ की तकरीर से या आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से उसके हयालात, उसके जज्बात मजरूह हुए हैं, तो वो सिर्फ दो दफात है जिसकी 7 साल सजा है, और उसे गद्दारी के मीनिंग में नहीं लिया जाता। सिर्फ वो उस हद तक पर्चा दायर किया जा सकता था, लेकिन ये जो दीगर दफा लगाई गई है ये हाई कोर्ट में 561A के तहत भी इसको क्वेश्चन किया जा सकता है। एट द सेम टाइम जब ये मुकदमा कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस ही नहीं लेगा। बिल्कुल, मीनिंग देर बाय बिल्कुल, लेकिन जब आपने खुद ये वाजे कर दिया कि इसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा, वकास पे मेरे लिए ये भी बड़ा अहम है, या जिस तरह इसको रिपोर्ट कर रहा है इन केसेस के इंदराज को, इस पर्चे के कट जाने को, इस केस के एक्सेप्ट हो जाने को, क्या आपको लगता है ये मिसलीडिंग है और लोगों के प्रस्पेक्टिव को इस वक्त मजरू किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है जिस तरह ये मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है? आई थिंक थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है। सवाल ये आता है कि जिस तरह इन दफात को बढ़ाकर और ये बार बार कह के कि गद्दारी का मुकदमा, गद्दारी का केस दर्ज हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, बड़ा वाजे है कि ये दफात आप तभी लगा सकते हैं जब वफाकी हुकूमत और या फिर सूबाई हुकूमत की इसमें कंसेंट शामिल हो। वकास क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर सवाल अपना दोहरा देती हूँ कि आपको लगता है कि मीडिया में जिस तरह इन गद्दारी के मुकदमात को रिपोर्ट किया जा रहा है वो किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक मिसलीडिंग है? देखें, ये मिसलीडिंग है, और जहां तक इस बारे में मेरा पर्सपेक्टिव है कि ये जो नैरेटिव अवाम पे मैसेज में बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ये रॉन्ग परसेप्शन है। आप किसी को इस तरीके से ठीक है, अगेन अ लिटिल बिट ऑफ अ मुंतकी भोग दीन द आई कैन ओनली अस्यूम कि आपकी जो बात थी वकास, थोड़ा सा मेरे ख्याल में ऑडियो का मसला आ रहा है, अगर हमारी ऑडियो लिंक इनसे है ऑलरेडी तो ज़रा प्लीज़ सिर्फ ऑडियो ही बेशक दे दी जाए, लेकिन अहम बात यह है कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जिस तरह पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, काफ़ी मिसलीडिंग है, बिकॉज ये मुकदमा तब तक दर्ज नहीं होते, ये दफ़ा तब तक आयद नहीं होती जब तक इसमें वफाकी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत की कंसेंट शामिल ना हो। जी वकास, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो नैरेटिव और जो प्रोस्पेक्टिव आवाम की नज़र किया जा रहा है, हमारी मीडिया पे भी एक जो परसेक्टिव है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। आप एक शख्स जो 3 दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अवाम के वोटों से मुंतखब हुआ, आप उसके खिलाफ कैसे गद्दारी का मुकदमा चला सकते हैं जब इसकी प्री कंडीशंस ही नहीं है? अच्छा, ये तो नहीं वकास, जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस, अभी तक मैं आपके साथ हूँ जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आईनी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं किया गया है, लेकिन जब आप दूसरी बात करते हैं कि गद्दारी का मुकदमा कैसे, उसमें फिर ये बात की जा रही है कि पब्लिक सेंटिमेंट भी और सियासी हलकों से भी आवाज़ आ रही है कि जिस किस्म का बयान नवाज शरीफ साहब ने दिया और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो एक गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। इंडियन मीडिया आपके सामने है, इंडियन मीडिया में कई लोग इसको बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पे बतौर वजीर आजम सरमायाकारी उन्होंने की, ये लफ्जी में तर्जुमा करी, उन्होंने कहा वी हैव इन्वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। इसको हम किस तरह फिर हाउ शुड वी अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? बिल्कुल, ये दोनों एक सेपरेट इश्यूज हैं, और जो अभी आपने क्वेश्चन किया स्पेसिफिकली इसके आंसर की तरफ आना चाहूंगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान का आर्टिकल 19 है, दैट इज वेरी मच क्लियर कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, लेकिन आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एक्सप्रेशन है वो आप कौमी अदारों की या सलामती कौंसिल के अदारों की तजहीक और तमसर के लिए या उनके खिलाफ मुल्क दुश्मन एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या पाक आर्मी को मलाइन करने की या लान तान करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप करते हैं तो फिर हमारी जो हुकूमत है वो हमारी वफाकी है सूबाई हुकूमत, वो खुद 121 और 124A का पर्चा दर्ज करवाए, जो कि प्रॉपर एक फोरम है, प्रॉपर एक कंडीशन है,
उसको फुलफिल करे और हुकूमत खुद इसकी सरपरस्ती करे, खुद इसको सुपरवाइज करे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ये शिकें बड़ा क्लियर कि कौमी इदारों को, कौमी सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाला आप कोई बयान नहीं दे सकते, और बड़ा वजन होता है आपके अल्फाज का, खुसूसन जब आप एक सियासी लीडर हों और साबका वजीर आजम भी हों, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी आपकी आवाज़ को, आपकी बात को बहुत अहमियत दी जाती है। आई थिंक वी नीड टू पे। जब भी आप किसी मेहमान की तवाज़ो करने लगें तो आगे से आपको मिलता है यही जवाब, नहीं नहीं तकल्लुफ मत कीजिए, वैसे भी मैं डाइटिंग पे हूँ। ये फिनोमेना है, फैशन है, या इसमें वाकई कोई हकीकत है? हम साल में मेरे ख्याल में 12 महीने और 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन में डाइट रहने के बावजूद लोग वज़न नहीं कम कर पा रहे। ऑन दी अदर हैंड लोग इसको इतना सीरियसली भी लेते हैं कि कभी कभार अपना ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। हाल ही में एक खबर आपने देखी होगी कि इंडिया की कुछ एक्टर्स ने इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कि उनको वो जिंदगी की बाजी हार गए। ये डाइटिंग का फिनोमेना कहां से आया, किसने हमें ये पढ़ाई बताई कि अगर आपका वजन बढ़ गया तो जरा मुंह पे जिप लगा लें, और खाना फिर इस तक हद तक लोगों ने कम कर लिया कि अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाया। आइए सबसे पहले सवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और आज इस पर मजीद भी बात करते हैं। डाइटिंग के चक्कर में बाज अफराद अपनी सेहत को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, अगर इदराक कर लें तो कभी भी जरूरी विटामिन और फैट्स मतरूक ना करें। एक्सट्रीम डाइटिंग की वजह से ऐसे अफराद में मुस्तकिल जिस्मानी थकान, साइनस प्रॉब्लम, डिप्रेशन, जोड़ों का दर्द, डिहाइड्रेशन और कभी ये आदत इंसान को जिंदगी के इख्तिताम के दहाने पर ले जाती है। एक्सट्रीम डाइट इंसानी जिस्म के मेटाबॉलिज्म को इंतहाई आहिस्ता कर देता है, और जब इंसान डाइटिंग छोड़ता है तो इसका जिस्म दुगना वजन हासिल कर लेता है और ये मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ होता है। क्रैश डाइट इंसान की क़ुव्वत मुदाफियत को बिल्कुल खत्म करके मुख्तलिफ कल्बी बीमारियों को दावत देती है जिसमें दिल का तेज धड़कना, घबराहट और बेचैनी शामिल है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पहले किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लें और इसके बताए हुए तरीकों पर अमल करें। जी जनाब, इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए जो कि ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, तमाम लोगों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस सुपरफिशियल एस्थेटिकली चैलेंज दुनिया में ऐसा लग रहा है कि ज़ाहरी चमक दमक, हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, एजिंग को कैसे देखते हैं, कितने वेल ग्रूम्ड हैं, इन सब चीज़ों की अहमियत बहुत बढ़ गई है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारी आंटीज़ और मामा हमेशा ये बात करती थी कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमें एक मदरली फिगर लगना चाहिए। सो मदरली एक जो एक इमेज होता था उसमें जहन में होता था कि यू नो समबडी हु लुक्स आफ्टर देयर हाउस, दे नॉट सपोज टू बी सुपर फिट, बल्कि वजन को आप बढ़ जाने को हम यू नो जस्टिफाई करते थे कि अब बच्चे हो गए लोगों के, तो उसके बाद उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा। द सेम वॉज ट्रू फॉर मैन एंड वुमेन। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, खसूसा अब की जो जनरेशन, इस वक्त जो लोग 30 to 45 के बीच में हैं, वो अपना बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, वजन भी कम रखना चाहते हैं और दिखने में भी कम उम्र दिखना चाहते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली सेशन बनता जा रहा है। आज मेरे साथ जो पैनल मौजूद है वो आपको लोगों की इस मेंटालिटी के बारे में भी बताएगा, किस किस्म की ख्वाहिशात लेके इनके पास पहुंचते हैं कि एक हफ्ते में जादू की छड़ी घुमाएं और हमें बिल्कुल सही कर दें, किस ऑब्सेसिव हद तक लोग जाते हैं, कितनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर लेते हैं और अपना नुकसान करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, जनरल फिजिशियन भी हैं एंड ऑफकोर्स यू नो अ रेगुलर न्यूट्रिशनिस्ट इन माई शो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज आपके यहाँ मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं वसीम शाह, जो आप बिल्कुल गेस नहीं कर सकते, दैट ही इज 64 माशाल्लाह, और ये सुपर फिट हैं, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं और लोगों को ट्रेन भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई यहाँ पे मौजूद होने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माशाल्लाह आई लव हिज एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, जिस तरह खासतौर पर इस पेंडेमिक में जहाँ अक्सर लोग एनजाइटी का शिकार थे, ही वॉज नॉट ओनली इन हाई स्पिरिट्स हिमसेल्फ बट ही वॉज एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल। यानी 80% इनकी जो कंसल्टिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। अ हाई एनर्जी पर्सन, सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल
फ्रॉम कैलिफोर्निया। इसके अलावा माइंड साइंसेस के स्पेशलिस्ट भी हैं। अगर अभी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने लोगों को कहा था डाइट सिर्फ वही नहीं होती जो आप खाते हैं बल्कि इट्स ऑल दैट यू पुट इन योर माइंड एज वेल। सो ही इज सब्सक्राइब्स टू द सेम स्कूल ऑफ थॉट। हमारे साथ मौजूद हैं उमर बिलाल अहमद। थैंक यू उमर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू उमर। सबसे पहले अगर गुफ्तगू तुमसे ही शुरू कर लूँ, मुझे ये बताओ कि यंग लोग जिनके साथ तुम कंसल्टिंग कर रहे थे इस वक्त इतना ऑब्सेशन क्यों है फिट होने का? मैम मैं आपकी गुफ्तगू अभी थोड़ी देर पहले से मैं सुन रहा था, मैं फॉलो कर रहा था। मैं सबसे पहले आपके तवज्जो से एक मिसकंसेप्शन पहले क्लियर कर दूँ जो कि मैंने आपके पैकेज में भी देखा जो चला और जो एक इन जनरल हमारी सोसाइटी के अंदर नजर आएगा आपको जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो वर्ड डाइट है। डाइट नोवेयर मींस कि आपने भूखा रहना है, भूखा रहना है। डाइट और स्टार्वेशन में फर्क है। सबसे पहले ये रहे, भूखा रहने को स्टार्वेशन कहते हैं और डाइट के मुझे इस तरह से कुदरती तौर पे मैं इस फील्ड के पार्ट हूं, मुझे आज तक याद है व्हेन आई वाज इन क्लास 2 चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस की बुक जो मेरी थी उसका चैप्टर 3 था वॉज डाइट। And diet simply means what you eat and drink. What you whether, consume basically. What you consume. Whether it's fast food, whether it's cold drinks, whether it's ice cream or anything. Whatever you consume. आप ये पत्ते खा रही है ना, ये कागज है, ये भी आप खाएंगे तो ये आपकी डाइट कहलाएगी। बिल्कुल। In fitness, what diet means is clean eating. Eating close to nature. No, ये सबसे पहले आपसे जब कोई फिटनेस एक्सपर्ट अगर पूछे कि आपकी डाइट क्या है तो वो आपसे जानना चाहता है कि आप खाते क्या हैं, व्हाट डू यू कंज्यूम बेसिकली। जी डाइट है आपकी कि इट्स नॉट हेल्दी। हाँ, तो हेल्दी डाइट जो खा लेगा उसकी सारी चीजें पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे उसके, और जो अनहेल्दी डाइट लेगा उसके वैसे ही इफेक्ट्स होंगे। कॉमन इस्तेलाह बन गई कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं जरा खाने को रिजिस्ट कर रही हूँ, चिकनाई वाला खाना या जो भरपूर खाना। एक्चुअली वी कंसिडर डाइट एज, जब हम हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं हम डाइट पे चले गए, हालांकि डाइट इज एवरीथिंग व्हाट वी कंज्यूम, जो आपने से कहा। एंड जो इवन थॉट्स हम लेते हैं, जो एनर्जीज हम लेते हैं, दैट इज ऑल्सो आवर डाइट, बिकॉज वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। सही। तो अच्छा, आपने जो रिसेंटली सुना होगा वसीम, आपने इसको कैसे देखा कि लोगों ने कहा कि डाइटिंग, इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर ली कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उसी को पूरा नहीं किया और खुदा ना खास्ता लुकमाया जल बन गए, यानी मौत का शिकार हो गए, क्या इस पर आपका क्या रिएक्शन था एज समबडी हु इज इनटू फिटनेस? देखिए मैं ये सोचता हूँ कि हर हरकत के पीछे एक मुहर्रिक होता है। सही। अगर आप मूव कर रहे हैं इसके पीछे एनर्जी है, एनर्जी आपको किस तरह हासिल होगी अगर आपकी बॉडी फ्यूल नहीं है? सही। बॉडी फ्यूल को आप किस तरह हासिल करेंगे? खुराक के जरिए। हमारे यहाँ दरअसल फिटनेस के स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बदल गए हैं। सही। हम वेट, स्केलेटन स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ चीज़ों को लेते हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमने वेट गिरा लिया तो हम फिट हो जाएंगे, हालांकि ये तो एक इकाई है। हाँ। फिटनेस की वेट कम होना सिर्फ एक इकाई है। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपका स्टेमिना कहाँ है, आपकी एंड्योरेंस कहाँ है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आपको फिटनेस बनेगी ना। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में हमेशा आती है कि जो एक्टर्स पहले, इनकी जो भी फैट डाइट होती है, अरे ये उमर आप सबसे ये सवाल है, वो बड़ी हिट हो जाती है। कोई कहता है जी ये सिर्फ पत्ते खा रहे हैं। एक ज़माने में एक डाइट बड़ी, वो आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, मराया कैरी की डाइट बड़ी मशहूर हुई थी कि जी वो जो उनका दिल चाहता है वो खाती हैं लेकिन बस एक टीस्पून, ताकि वो क्रेविंग भी ख़त्म हो जाए। हमारे यहाँ तो हाल उल्टा है ना, पहले टीस्पून के बाद फिर रुकते ही नहीं है हम, लेकिन उन्होंने कहा एक टीस्पून खा लो तो बस दिल को तसल्ली हो जाएगी। एंड दीज पीपल, इनका लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेनस है अरीज, यानी इनको कभी यहाँ भागना है, कभी ये काम करना है, कैमरे के सामने परफॉर्म करना है, फ्रेश नज़र आना है, ये इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ इतने ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक कैसे होते हैं? होती है ना, आप मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं मोस्ट ऑफ हाउस वाइफ, तो वो कहती हैं हमें कि मुझसे पूछती हैं कि आप जाती हैं कोई ये डाइट की, मैं कहती हूँ भाई इट्स ए फुल वर्क, एक टीम वर्क है, आप अकेले नहीं कर सकते, खाना कहीं और से मील्स आ जाएंगी, देर नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट कि मील कहाँ से प्रिपेयर होगी, उनको पता है कि हमने इतनी चीज़ें खानी है, इतनी कैलोरी इनटेक करनी है, इतनी देर वर्कआउट करना है, उसके बाद जाके कैमरे पे। सो देयर इज अ टीम वर्किंग कि आपकी अपीयरेंस कैसी हो, स्किन कैसी होनी चाहिए, बट दे डू टेक केयर ऑफ द स्किन के पानी का इनटेक अच्छा रखते हैं। हमारे यहाँ तो ये जो नॉर्मल एक कॉमन बंदा है वो नहीं कर सकता, तो पानी का पूछें कितने ग्लास पिए, चार कहेंगे तो दो पियेंगे, एट ग्लासेस कहें तो चार पी के आ जाएंगे। तो ये चीज़ें दे टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, एक्चुअली पूरा टीम वर्क होता है, एक अकेला बंदा नहीं कर रहा होता। हाँ। अच्छा मैम, अगर मैं इस पे एक, क्योंकि मुझे जो है ना प्रॉब्लम जरा सोसाइटी में जरा ज्यादा फेस होती है, तो मैं मिसकंसेप्शन पहले क्लियर करने के ऊपर, तो मेरा पर्सपेक्टिव तो मिसकंसेप्शन पे रहेगा। हाँ। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन एक लोगों का जब डाइट के बारे में आता है, मैं आपको इसका भी क्लियर कर दूं कि हम जो भी रोज जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, कोई भी आप खाना उठा लें उसमें आपको रोटी मिलेगी,
उसमें आपको या तो चावल मिलेंगे, मीट होगा, वो फिश हो, मटन हो, चिकन हो, बीफ हो, मसाले मिलेंगे, तेल मिलेगा और सब्जियां मिलेंगी। इन्हीं सब चीजों से सारी डाइट बनती है। सो बेसिकली यही सारी चीजें आपको कंज्यूम करनी होती हैं, लेकिन आपके करंट बॉडी स्टेटस के हिसाब से आपको कितना गोश्त लेना है, कितना तेल लेना है, कितना रोटी, कितना चावल, कितनी चीनी लेनी है, ये मैटर करता है। तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो पोर्शन है, यानी प्रोपोर्शन ही बहुत ज्यादा लेते हैं। सबसे बड़ा मसला पोर्शन नहीं है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो इलिटरेसी है। हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और हम शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। खवातीन को ये चीज बताता हूँ, देखिए मेरे क्लाइंट्स, मैं जितने भी लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मैं ये मिसकंसेप्शन उनका क्लियर करता हूँ बार बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप जो भी चीज खाएं, अगर आपकी डाइट में रोटी चावल नहीं है, तो रोटी चावल आर कार्बोहाइड्रेट्स जो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब लोग क्या करते हैं, उनको जब वेट लॉस और फैट लॉस का लोगों को फर्क नहीं पता, अब लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं हमें वेट लॉस करना है। देखें, आप पानी पीना छोड़ दें, आप खाना खाना छोड़ दें, आपका ओवरऑल बॉडी वाटर वेट भी गिराएगी और साथ में आपकी बॉडी में जब प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो तुमने यहाँ पे की है कि वाटर लॉस, लोग ये बात रियलाइज नहीं करते कि किसी भी कंसल्टेंट के पास अगर गए हैं, उसके बड़े बहुत ज्यादा माहिर होने की डॉक्टर रीज निशानी ये समझी जाती है कि भाई हम इसके पास गए थे, 3 हफ्ते में हमारा 2 किलो वजन कम हो गया, नॉट रियलाइजिंग कि ये तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी का सिर्फ पानी गिरा है और उसके बाद खुदा ना खासा फैट देखो, फैट या मसल कैसे गिरा है, आपको ये भी समझना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो तकरीबन 4 ग्राम पानी होल्ड करता है आपकी बॉडी में। जब भी ये जो ट्रेडिशनल न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं, मैं आई रियली अप्रिशिएट कि जो हमारा जो आपने माइंडसेट मेरे ख्याल में पैनल का बनाया है, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, तो यहाँ पे कोई तकरार वाला तो मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। ये बड़ा अच्छा आपकी जो टीम ने अरेंज किया है। देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम पानी होल्ड कर रहा है। ट्रेडिशनली क्या चलता है, जो लोगों के जहन में डाइट का मतलब है कि भूखा रहना, न्यूट्रिशनिस्ट इन जनरल जो है वो उनको कहते हैं कि आप भूखे रहे, वो जब भूखे रहते हैं तो 2-3 दिन में उनकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट फ्लश कर जाते हैं, उनकी बॉडी में कार्ब्स के कार्ब्स में जो पानी होता है छोटा सा जाता है और बड़े खुश होते हैं कि देखो मुंह भी पतला हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, जरा इस पे बात करेंगे कि भूखा रहना जरूरी है डाइट करने के लिए, और खास तौर पर ये जो नई बला आई है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो इसमें सारे में कहां फॉल करती है, सब बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात हो रही है ज़रा डाइटिंग पे, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंटेंस सब्जेक्ट है, हर एक का अपना अपना इस पे ख्याल होता है। कुछ लोग समझते हैं कि 1 महीना अगर मेहनत कर लें, क्लीन ईटिंग कर लें, ज़रा यू नो एक्सरसाइज कर लें, तो वज़न बड़ा तेज़ी से कम हो जाता है, जबकि ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग अपने जेनेटिक्स को, अपने ख़ानदान को, अपने यू नो तमाम शजरा नसब को इसका ब्लेम देते रहते हैं कि नहीं जी हमारे ख़ानदान में तो सब मोटे हैं, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, चाहे हम कुछ कर लें नहीं हो सकता। These questions on daily basis, मेरे पास hundreds of queries आती हैं जो ये claim करते हैं ना हमारे genetics के अंदर ये problem है, हमारे माँ बाप बेचारे मोटे थे, ऐसा था वैसा था। मैं उनको clear cut जवाब देता हूँ, उनको मेरी बेचारों को बात बुरी लगे यानी, मैं उनको ये कहता हूँ आपके अंदर किसी ने पाइप लगा के हवा नहीं भरी, आपने खा खा के अपने आप को वजन बढ़ाया। जैसे अंग्रेजी में एक saying है, अंग्रेजी में एक saying है, it runs in the family because nobody runs in the family। वसीम आप क्या कहेंगे जब आपके पास कोई ऐसा मुश्किल क्लाइंट आता है और आपने तो यू मेड इट अ वे ऑफ लाइफ, हमारे यहाँ क्या क्या चीजें आपको प्रॉब्लम लगती हैं? लोग कहते हैं कि जी आज डाइटिंग करनी शुरू की थी, कल ही बेगम ने बिरयानी बना दी, तो वो सारा प्लान चौपट हो गया। देखें, एक तो ये होता है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि उनके पास बड़ी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन होती है। फिटनेस क्या है हमारे यहाँ शायद पता ही नहीं किसी को। पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता कि किसी को पता हो कि फिटनेस एक्चुअली है क्या। दूसरी बात जो मैं लेता हूँ, विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी अगर आप 20 के 30 के हैं, तो एक वक्त था मैं भी 30 का था, आई थिंक 89 का सैफ गेम्स था मेरा उस वक्त, मैं बहुत बोलता था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो है क्या। फिर जब मुझे थोड़ा पता चलता गया मैं बिल्कुल खामोश हो गया, मुझे पता है ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। और आप जो हैं अपनी किसी एक सब्जेक्ट को लेके कहते हैं कि मैं फिट हो गया,
ऐसा नहीं है। लेकिन वसीम, आपको एक ऐसा लगता है कि ये जिसको कहते हैं ना कि आपका एक तरह से डिसिप्लिन, आपका वे ऑफ लाइफ, वो लोग जो फिट हैं उनको इसको पूरी तरह से अडॉप्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ देखिए खुशी डिस्ट्रैक्शन, हमारे यहाँ खुशी होती है, किसी के यहाँ शादी होती है, कोई तकरीब होती है तो हम उसको सेलिब्रिटी ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे पकवान बना लिए। हमारे यहाँ जिंदगियों में खाना पीना इसके अलावा हमने अपने कोई ज़्यादा मकासद नहीं रखे। हमारे शहर में देखें लोग चलते नहीं हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं। तो जिस शख्स को फिट रहना है उसको बड़ा मुश्किल ऐसा लगता है कि वो दरिया इस धारे में बह रहा है, आपको उल्टा स्विम करना पड़ता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ देखिए, आप क्या कुछ खा सकते हैं? आप एक, मुझे मिसाल देना, अगर मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ और मुझे दोपहर के टाइम पे भूख लगती है, मेरे पास कितने हेल्दी ऑप्शंस हैं? तो कुछ ना कुछ मैंने ऐसा गड़बड़ी खाना है कि मेरा फिटनेस हो सके। खाएं, आप खाएं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, होता ये है कि आपकी डाइट एक्चुअली है क्या, पहले तो आप ये देखें ना कि आप डाइट को कहते क्या है एक्चुअली। मैं तो बॉडी फ्यूल कहता हूँ, सही, ठीक है। फ्यूल में आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज नहीं है ट्रेनिंग के बारे में, अगर आप नहीं जानते कि इसेंट्रिक्स मूवमेंट्स क्या होती हैं, आप कंसेंट्रिक्स मूवमेंट नहीं जानते, अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो आपकी बॉडी में डैमेजेस होते रहेंगे चाहे आप कितनी ही कम डाइट क्यों ना ले लें। मेरे नज़दीक ये, मैं शायद हो सकता है कि 3000 कैलोरीज से भी ज़्यादा लेता हूँ एक दिन के अंदर, जो कि इनफ होती है, लेकिन मैं उस तमाम की तमाम कैलोरीज को कन्वर्ट करता हूँ अपनी बॉडी फ्यूल में, उस फ्यूल को इस्तेमाल करता हूँ अपनी मूवमेंट में। तो मेरे नजदीक डाइट का कंट्रोल करना तो मानी नहीं है। सही, सॉरी, कोई चीज भी यहाँ पे मैं इनसे इख्तलाफ करूंगा। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, ये अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ये अपनी एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई मैं 3000-4000 कैलोरीज खा रहा हूँ और मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरा वजन कम रहेगा। नहीं, मैं आपकी बात यहाँ काटता हूँ, सुनिएगा, वर्कआउट की बात नहीं होती। मैं भी अपना जवाब दूं, आप अगर 4000 कैलोरीज खा रहे हो और पूरा दिन आप भागते जा रहे हैं मैराथन रनर की तरह, तो आप कम रहेंगे। बात यहाँ पे, हर बंदा तो आपकी तरह से हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर सकता, जो खवातीन फिटनेस को कह रही है वो इनकी बात बिल्कुल सही है। उनके जहन में तो फिटनेस ये है कि मेरा साइज 10 होना चाहिए, साइज 8 होना चाहिए, जब मैं गार्मेंट्स की शॉप पे जाऊँ तो मेरा ये मेरा साइज होना चाहिए। दे नॉट वरीड अबाउट डू आई हैव एनर्जी और नॉट। अच्छा, सिद्रा भी बड़ी अवेयरनेस हो गई है। नाउ आई हैव I'm getting clients जो आके कहते हैं डॉक्टर जी हमारे घुटनों में दर्द है या हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो पहले हम वो पहले करेंगे। एंड आई यूजली सिट विद देम एंड आई सेड कि पहले हम अगर जैसे फर्स्ट 4 वीक्स है वी नॉट फोकस के स्केल पे जा रहा है, साइज कम हो रहा है, विल फोकस के वील इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल्स। जो डेफिशिएंसीज आ रही है क्योंकि वाइटामिन डी, B12, जिंक की डेफिशिएंसीज आती हैं, रिपोर्टेड डेफिशिएंसीज। अच्छा, ये एक बड़ा की पॉइंट है डॉक्टर अरीज, यहाँ पे इसको जितना एम्फसाइज किया जाए कम है कि वो लोग जो ओबीस हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनमें मोस्टली आयरन की कमी भी है, विटामिन डी की कमी भी है, B12, मैग्नीशियम। मुझे नहीं मालूम द बैकग्राउंड ऑफ बोथ ऑफ माय गेस्ट जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता दूं। जब आप एक ट्रेनर, आप एक कंसल्टेंट, जब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट और आप एक डाइटिशियन होते हैं ना, आपको क्लाइंट को समझना पड़ता है वो किस पर्सपेक्टिव से गुजर रहा है, उसका क्या सोच है, और वो आपको तब तक आपके अंदर नहीं आ सकती जब तक आपने खुद उस किस्म का एक्सपीरियंस ना किया। नहीं तो फिर सवाल है ना मेरा, दुनिया भर में नहीं, देखो मेरा सवाल का जवाब दो। देखें, मैं बात काट रहा हूं। हां कि आप मुझसे कह रहे हैं कि ठीक है, आप तो आप ये कह रहे हैं, आप ठीक है ना कि बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। आप ये नहीं समझे कि मैं घंटों ट्रेनिंग करता हूं। मेरा ट्रेनिंग सवाल ये है कि जो घर में बैठी खवातीन है जो इस बात से परेशान है कि बच्चे हुए वजन बढ़ गया है, बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ वो चाहती है कि वो जो मेरे पहले वाले कपड़े थे, जहेज वाले कपड़े थे, मैं उसमें फिट आ जाऊँ, लेकिन दूसरी तरफ उसको हो गई है आयरन डेफिशिएंसी, उसको हो गए PCOS, उसको हो गया हाइपोथायरोटिज्म। जब वो डॉक्टर अरीज के पास पहुंचे, डॉक्टर अरीज पहले उसको कहती है कि तुम्हारे देखो वजन कम करने के लिए मैं तुम्हें एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट दे दूं, लेकिन जो कमी है न्यूट्रिशंस की वो अपनी ही जगह है। अरीज, सबसे पहला स्टेप ऐसी खवातीन के लिए क्या होगा? देखो पहले जब, क्योंकि मेरे पास ज्यादा फीमेल्स ही आती हैं, बीइंग रिस्पेक्ट केक, तो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। उसके अलावा मैं घर के सारे काम करती हूँ, तो जो मुझे अप्रोच करते हैं ना, देर लाइक आप जिस तरह करती हैं ना, हमें वही चीज़ चाहिए। वी वॉन्ट द एनर्जी लेवल्स के हम इधर भी जाएँ उधर भी जाएँ, घर के काम भी करें और फिर अच्छे भी दिखें, जैसे भी। अब आई डोंट नो आई लुक नाइस और नॉट, बट उनको अच्छी लगती है। मैम मैं इसमें अब ये बात तो फिर मैं उनको बिठा के ही समझाती हूँ कि सबसे पहले यू हैव टू
फुलफिल कि आपकी डेफिशिएंसीज क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की क्या है, बिकॉज लूजिंग वेट इज़ नॉट कि स्केल पे जा रहा है. हमारा जो फैट होता है बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैट, वाइट फैट होता है और ब्राउन फैट. ब्राउन फैट ज़्यादातर बच्चों में होता है विच इज़ अ गुड फैट विच गिव्स अस द एनर्जी जो हमें यूज़ होती है, और बड़े होते जाते हैं एडल्ट लाइफ में तो वाइट फैट बनता जाता है. तो हम सब में वाइट फैट ज़्यादा होगा. अगर हम डायरेक्टली जो शॉर्टकट्स होती हैं डाइट्स की वो करेंगे तो डायरेक्ट वाइट फैट विल रिलीज इन आवर ब्लड जो ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है. तो स्लो प्रोसेस में इट कन्वर्ट्स इनटू ब्राउन फैट एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी जो हमें चाहिए होती है. तो मैं आई डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन लेमैन लैंग्वेज में कि किस तरीके से आपको मैं स्लो चलूंगी. पहले उसके साथ क्या होता है, जब वो ब्राउन फैट बनता है तो आपकी डेफिशिएंसी भी कवर. अगेन फॉर क्लैरिटी से वसीम साहब, अगर बॉडी में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो वो ऑटोमेटिकली मर्दों में खवातीन में वजन को बढ़ा देती है, यानी ऑलरेडी अगर आप जैसे कहते हैं ना, अगर आपको जैसे आयरन की कमी है, रेड ब्लड सेल्स की अगर आपको कमी है, एनीमिक हैं आप, तो लोगों का वजन बढ़ावा होता है. इज दैट ट्रू? ऐसा है. तो पहले उस कमी को पूरा करें और उसके बाद टारगेट पर. मैं आपको देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बट सारी गुफ्तगू जो आप लोग कर रहे हैं ये आप लोग अगर मैं टीवी बैठे देख रहा हूँ ना तो मैं कंफ्यूज रहूंगा, मैं किसी लुबे लुबाब पे पहुंचूंगा नहीं. देखिए, पब्लिक जो सुन रही होती है उसे सोल्यूशन चाहिए होता है, और सोल्यूशन सबसे पहले ये समझ लें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल काम नहीं है. जो डाइट की बात की जा रही है, डाइट का मतलब है क्लीन ईटिंग, नेचर के करीब ईटिंग, हेल्दी ईटिंग. तो वो बैलेंस डाइट जब आपकी होती है उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं, उसमें मीट भी होता है, उसमें रोटी चावल भी होता है, फिर तुम्हारे लिए सवाल है, फिर तुम्हारे लिए सवाल भी होता है. मेरे जैसा नॉलेजेबल शख्स भी है जिसको पता है कि यार भूख लगी है तो हाई एनर्जी फ्यूल इस वक्त एक मुट्ठी नट्स ले लो, लेकिन फिर जबान का चटखारा क्या करें जो गोलगप्पे मांग रहा है. देखिए, मैं आपके इसी सवाल से आपका जवाब दूं. देखिए, यू सेड ऑन दैट सोफा दैट यू आर सिटिंग ऑन कि यू आर नॉलेजेबल. देखिए, अगर आप नॉलेजेबल हैं, अगर आप अपने आप को मिसाल के तौर पे 30 मार खान कोई भी समझता है, जो आपने पर्सपेक्टिव दिया यही क्लाइंट्स का भी होता है. हमें सब कुछ आता है, हमने गूगल यूट्यूब कर लिया. मेरा तो सवाल अलग था. अगर आप खुद नॉलेजेबल है ना, तो फिर आप यहाँ हो, मैं यहाँ आ जाता हूँ. बात यह कि सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है, क्लाइंट को ये रियलाइज करना है, उसको कुछ नहीं मालूम. अगर आप किसी को कंसल्ट करने जा रहे हैं, अगर एक कंसल्टेंट के पास आप आ रहे हैं, यू नीड टू रियलाइज दिस पॉइंट दैट यू नो नथिंग. मैंने तुम्हें शो में बुलाया, मैंने तुमसे अपनी कंसल्टेशन नहीं मांगी. एक छोटा सा ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं. वेलकम बैक जी. एक बड़ा आसान सा सवाल सारे लोगों के लिए, अगर वजन घटाना है तो उसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या डाइट, और डाइट का मतलब क्या, उस पर हम चल रहे थे. एक जो सवाल मैं हमेशा एक्सपर्ट से करती हूँ कि हमारे मुल्क में जैसे ही लोग 35 को 40 को क्रॉस करते हैं वो कई फिटनेस चैलेंजेस पे चलने को फिरने को एकदम रद्द करने लगते हैं और कहते हैं जी अब तो हम बूढ़े हो गए. तो हमारे यहाँ लोग 40 पे बूढ़े क्यों हो रहे हैं, और बैरून मुल्क अगर देखें लोग 80 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो ये फिनोमेना क्या है समझने की कोशिश करते हैं. रीच, आपसे शुरुआत करते हैं. आई थिंक ये एक तो माइंड सेट हम लोगों का ऐसा है ना, स्पेशली खवातीन के लिए, कि मैंने जैसे थोड़ा सा अपना भी नोट किया था जब मेरी स्टार्टिंग में शादी हुई, कि ज़ोर से नहीं हंसना, ये नहीं करना. तो आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज आपके एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं तो वो थोड़ा आपको फ्रीडम देती हैं, लेकिन मेजॉरिटी हम मेरे पास जो आती हैं हाउसवाइफ वही बात है कि जिम नहीं जा सकते क्योंकि इजाज़त नहीं है, या कोई इशू है जाने का, बच्चे किसके पास छोड़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी अजीब सी ले लेते हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है. भी जो स्ट्रेस होता है वो आपकी इंसुलिन, कॉर्टिसोल सबको जो है डीरेंज कर देता है. दैट रीज़न नीज, घुटनों में दर्द, नमाज पढ़ेंगे तो घुट झुक खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैंड कैसे होंगे, कमर में दर्द शुरू हो जाता है फीमेल्स. तो आई थिंक ये लिंक अप करता है जो उमर पहले बात कर रहा था, माइंड साइंसेस, इट्स ऑल इन योर थॉट्स. कि अगर आपने सोच लिया कि मैं 30 पे बुढ़ा हो गया हूँ तो इसका मतलब है आप बुढ़े हो गए हैं. ऑन दी अदर हैंड, इफ यू फील कि ये आपकी जिंदगी का प्राइम है तो आप उसी तरह उसको अप्रोच करेंगे. व्हाट डू यू से? मैम बिल्कुल सही कह रही हैं. मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ आपकी बात को. आप मुझे ये बताएं मैं किस चीज का जवाब दूं आपको. नहीं, मैं आपसे पूछ ही रही हूँ कि जब फिर लोग ये अस्यूम करते हैं कि 40 के बाद अगर मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, ये वजन तो रहेगा. ऐसा नहीं है. मेरी अप्रोच मैं आपको एक दफा बिल्कुल समराइज करके बता दूं. बैलेंस डाइट विद एक्सरसाइज, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चीज़ों का आपका होना चाहिए. आप सिर्फ ये कहें कि डाइट अच्छी हो जाए, एक्सरसाइज ना हो, ठीक है. आप ये कहें कि एक्सरसाइज अच्छी हो जाए, डाइट खराब हो, ये अप्रोच नहीं है. एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर इज बैड फॉर अ ह्यूमन बीइंग इन अ लॉन्गर रन. आपकी हर चीज बैलेंस होनी चाहिए. उस बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस एक्सरसाइज मिनिमम क्या है,
वो अगर आपको कोई कंसल्टेंट या कोई भी अच्छे तरीके से गाइड कर देता है, वो चीज कस्टमाइज्ड होती है हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। आप बैठी हैं, आपके लिए डाइट प्लान बैलेंस मुख्तलिफ होगा, आपके लिए एक्सरसाइज मुख्तलिफ होगी। एक 40 इयर्स की 80 केजी की खातून बैठी है उनके लिए अलग होगा, एक वर्किंग वुमन है जो 40 की है लेकिन 80 केजी वेट है उनके लिए अलग होगा। सो इट डिपेंड फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। सो यू बिलीव इन कस्टमाइजिंग अ प्लान। वसीम साहब, आप क्या कहेंगे? एक सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स होते हैं वो कहते हैं लोग आते हैं, खुद पैसे खर्चते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, लेकिन फिर डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने डाइट प्लान बना के दिया, एक्सरसाइज प्लान बना के दिया, किसी को अगर आदत है हलवा पूरी नाश्ते की और वो नहीं छोड़ने पर आमादा और कहता है कि जी मेरी बॉडी तो मांगती है, मुझे क्रेविंग होती है, तो आप उसको क्या कहते हैं? देखिए, आपका जो फूड है ना वो डिपेंड करता है आपके पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग पे, राइट? आप किस किस्म की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? आप बहुत हल्की ग़िज़ा लेते हैं, आप बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, इट मींस के आप लॉस कर रहे हैं अपना, आप नुकसान कर रहे हैं। तो ये आप, आपके पास 80 केजी का आ रहा है, आपके पास 120 केजी का आ रहा है, आपके पास दुबला आदमी आ रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा बॉडी डैमेजेस लिए हुए आ रहा है आदमी, आप उसको सेम एक डाइट बताए चले जा रहे हैं कि आपने यही करना है और सेम एक चीज़ बताए चले जा रहे हैं कि आपने ट्रेनिंग ये करनी है। ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। आपकी मूवमेंट जो है वो डिफाइन करती है आपकी डाइट को, कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपका पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग क्या है, ठीक है? अच्छा, अब रैपिड फायर की तरह कुछ कॉमन सवाल जो लोगों के आते हैं, क्या ये बात सही है डॉक्टर अरीज कि अगर किसी ने वजन कम करना हो तो स्मोकिंग का इससे क्या ताल्लुक होता है? लोग कहते हैं जो सिगरेट पीते हैं उनका वजन कभी नहीं बढ़ता और जो सिगरेट को क्विट करना चाहते हैं फिर अचानक वजन बढ़ जाता है, ये क्या रिलेशनशिप? लेकिन स्मोकिंग जो है ना, आपकी बॉडी किसी तरह की भी स्ट्रेस में होगी ना, स्मोकिंग कॉजेज स्ट्रेस, क्योंकि आपके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, लंग्स आपकी ब्रीदिंग इशूज हो जाते हैं, लंग्स आपके डैमेज हो जाते हैं। स्ट्रेस चाहे इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, आपकी बॉडी उसमें हमेशा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करेगी, एंड द मोमेंट कॉर्टिसोल ज़्यादा होना शुरू करता है फैट डिपॉजिट बनना शुरू हो जाते हैं। तो वेट का से डायरेक्टली लिंक नहीं कह सकते, लेकिन आपका हेल्थ रिलेटेड लिंक है आपके, क्योंकि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के से लिंक्ड है। तो इट इज कि स्मोकिंग वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टली आप वजन को कम नहीं करेगा, वजन नहीं, ये मिसकंसेप्शन। अच्छा, प्रोटीन शेक्स, वसीम, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है, और अलग अलग नामों के प्रोटीन शेक्स विदाउट कंसल्टेशन यूज करते हैं, लोगों की सेहत इससे खराब हुई है, किडनीज फेल हुई है, मौत भी वाकई हुई है, आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं एक्चुअली वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड हो या नहीं हो, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर जो उनकी ड्रग अथॉरिटी है वो किसी भी किस्म के प्रोटीन शेक को उन्होंने अलाउ नहीं किया। अच्छा, ये हम लेते हैं खुद अपने रिस्क पे, वो कह देते हैं जनाब प्रूव हो चुका है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये प्रोटीन सब हार्मफुल है। इतनी प्रोटीन दुनिया में आ चुकी है, तो बेहतर ये है कि आप जो नेचुरल प्रोटीन है, बिल्कुल, जो आप मछली में लेते हैं, अंडा है, नट्स हैं और दूसरी चीजें। अच्छा, हमारे पहलवान जो सारे कच्चा अंडा, दूध, अंडे का शेक, ये बेहतर है? ये पहलवानों ने तो बर्बादी की। देखिए, मैं इस पूरे सिस्टम को इस पूरे सिस्टम को पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को 40 साल से देख रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उस दिन से लेके आज तक हम पहलवानी ही कर रहे हैं, हम पहलवानी ही कर रहे हैं। हमारे पास जो है ना, हमें पता नहीं है कि हमने एक्चुअली कौन सा एक सिस्टम अडॉप्ट करना है जो इस रीजन के लोगों के लिए अच्छा है। सही, सही। देखिए, यूरोपियन जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ का आप वेदर देखें, उनकी डाइट देखें, उनकी जीन्स देखें, ठीक है? फिर हम एशिया में आ जाते हैं, एशिया में हम यहाँ का वेदर देखें, यहाँ की डाइट देखें और जो पानी हम पी रहे हैं, सही, ठीक है? अब लोग जो है यूट्यूब से थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं कि जनाब ये देख लिया और ये ट्रेनिंग कर लें आप हो जाएंगे, आप ये तो देखिए कि उसके बैकग्राउंड में, बिल्कुल, तो आपका जेनेटिक मेकअप और हर चीज इंपॉर्टेंट होता है। उमर, वेरी क्विकली, जब हम बात करते हैं 45, तुमने वैसे कहा कि कस्टमाइज्ड प्लान्स होने चाहिए, लेकिन लोग आमतौर पे, अनइवन साइंस सेज कि योर मेटाबॉलिज्म विल स्लो डाउन एज यू एज, अगर किसी का वजन 45 के बियॉन्ड बढ़ा हुआ है, नीज का भी प्रॉब्लम है, रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं कर सकता, किस किस्म का डाइट प्लान सजेस्ट करोगे? मैम, वो बैलेंस्ड होता है, उसमें मैं जो सजेस्ट करता हूँ, अगर मेरे से ज़ाती तौर पर पूछे तो उसमें क्लाइंट की कंडीशन देखी जाए, अगर वो PCOS वगैरह का शिकार नहीं है खवातीन, तो फिर उनके लिए आप मीट भी रेकमेंड कर देते हैं, फिर मिल्क भी रेकमेंड कर देते हैं, रोटी चावल भी रख देते हैं, मतलब अगर उनको इन जनरल उनका वजन बढ़ा हुआ है, सो अल्टीमेटली वही बात आ जाएगी, मेरी कोशिश यही होती है कि रोटी चावल इन सब चीजों को रखा जाए, लेकिन अल्टीमेटली उनकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि वो कितनी होगी। लेकिन उमर, तुम ये इस बात पे नजर रखते हो कि अगर कोई लैक्टोज इनटॉलरेंट है या ग्लूटेन की वजह से, कस्टमाइज्ड प्लान का मतलब ही यही है कि यू आर आस्किंग द क्लाइंट व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर
कंडीशंस एंड देन यू डेवलप अ प्लान अकॉर्डिंगली. और उसके बाद भी एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी या मजीद अगर डिटेरियट हो जाती है तो फिर भी प्लान मजीद चेंज करना पड़ता है. वेरी क्विकली कैफीन चाय कॉफी इनटेक रीच इज दिस गुड इज दिस बैड या आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डिपेंडिंग कि आप कितना ले रहे हैं. ठीक है ठीक है. पोर्शन इसका बहुत ज्यादा मैटर करता है बिकॉज हार्ट रेट इंक्रीज करता है कैफीन. ठीक है लेकिन बट कैल्शियम के आपके डिपॉजिट्स निकालना शुरू कर देता है. इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या. आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रिग्रेस एक एक्टिविटी दैट अ वुमन्स बॉडी गोज थ्रू इज प्रेगनेंसी एंड बर्थ. खवातीन काफ़ी उजलत में होती हैं जल्दी में होती हैं कि बेबी हो गया है नॉर्मल हो गया है. डॉक्टर अरीज हेल्प अस शेड द वेट. क्या एक आसान नॉर्मल तमीज़दार तरीका है वजन गिराने का. तमीज़दार तरीका ये होता है कि आप आफ्टर गोइंग थ्रू द प्यूरम आप मेरे पास आए. आई गो थ्रू के आपकी डेफिशिएंसीज तो नहीं हुई. नर्सिंग मदर्स हैं उनके डिफरेंट प्लान्स हो जाते हैं. अगर नॉन नर्सिंग मदर्स हैं उनका डिफरेंट प्लान हो जाता है. और नेचुरल और नॉर्मल तरीका क्या है कितने अरसे में आप वजन अपना प्री प्रेगनेंसी पे ले जा देखो कितने अरसे की डिपेंडिंग क्योंकि नॉर्मल वेट जो है वो 10 kg तक बढ़ता ही है जब आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो 3 kg पर मंथ मैं कहती हूँ 3 to 5 होता है विच इज़ हेल्दी वेट लॉस पर मंथ फैट लॉस अगर करना है. लेकिन 3 kg वी कीप इट मिनिमम विद गुड वाटर इनटेक डेयरी प्रोडक्ट्स अपने लेते रहें. स्पेशली अगर नर्सिंग मदर्स हैं तो उनका हमें डेयरी प्रोडक्ट्स का सी फूड का ये चीज़ें बहुत ख्याल रखनी. सो डिपेंडिंग ऑन कि आपने कोई और कॉम्प्लिकेशन डिवेलप नहीं की हैं. डाइट इज़ ऑल अबाउट वॉट यू कंज्यूम. इसमें आपकी थाट्स भी हैं सोच भी है. एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी मेरे पूरे पैनल की खसूस आई थिंक उमर ने और वसीम साहब ने इसको कहा था कि वॉट यू बिलीव यू आर गोइंग टू बी. अगर आप अपनी विश लिस्ट पे रखें और बार बार अपने आप को कहते रहें कि जी मेरा वजन तो आसानी से नहीं गिरता तो फिर वही आपकी हकीकत बन जाएगी. ऑन द अदर हैंड अगर आप कहें कि नहीं जी मैं एफर्ट कर रहा हूँ एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी और माई बॉडी नोज वॉट टू डू इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द रिजल्ट. बट प्लीज़ डोंट किल योर सेल्फ एंड गो इन टू अननेसेसरी फैटफुल डाइट्स जो आपके लिए ज़्यादा अनहेल्दी हो सकती हैं. थैंक यू सो मच उमर वसीम साहब एंड अरीज फॉर बींग हेयर. इसी के साथ मुझे इजाज़त दें कल फिर हाजिर होते हैं. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.